तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही अमेजिंग कॉम्बिनेशन होता है. दैट इज़ द बेस्ट कॉम्बिनेशन वन कैन हैव टू गेट मैरिड. तो डेफिनेटली दिस वेडिंग इज़ गोइंग टू बी अ एग्जाम्पल फॉर एवरीवन एंड इट इज़ गोइंग टू बी वेरी फ्रूटफुल फॉर ईच अदर. पहले पुराने टाइम में जो एक्टर और एक्ट्रेसेस होते थे वो शादी नहीं करते थे बहुत लंबे टाइम तक. कियारा है वो उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारे ओपन अप करेंगी. तो इनका जो 7 और 4 का कॉम्बिनेशन वहाँ पे भी इकट्ठा हुआ जो इट हैज़ क्रिएटेड अ मैजिक ऑन द स्क्रीन. अगर स्ट्रेट लाइन आ जाती है तो वी आर डिक्लेयर्ड डेड. वो भी मतलब इंडस्ट्री की नहीं है, बाहर से आई थी. शाहरुख भी इंडस्ट्री के नहीं थे. सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी की जो शादी हुई है उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्या हो सकता है उनका फ्यूचर? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ओवर. बट और सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी की जो भी शादी हुई है और पिक्चर्स देखी हैं बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हैं. बट अगर हम न्यूमरोलॉजिकली बात करते हैं तो सिद्धार्थ का बर्थडे होता है 16 जनवरी और कियारा का बर्थडे है 31 जुलाई जो इंटरनेट पे अवेलेबल है. तो उसके हिसाब से 1+6 comes to 7 एंड 3+1 comes to 4. जो 4 है वो राहु का नंबर है. 1+6 जो 7 आ रहा है वो केतु का नंबर माना जाता है. तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही अमेजिंग कॉम्बिनेशन होता है. दैट इज़ द बेस्ट कॉम्बिनेशन वन कैन हैव टू गेट मैरिड इन एनी रिलेशनशिप. अगर आपके बिजनेस पार्टनर के भी कॉम्बिनेशन आ जाते हैं तो वो चीज़ बहुत लंबी और बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होती है. तो डेफिनेटली दिस वेडिंग इज़ गोइंग टू बी अ यू नो आई थिंक एग्जाम्पल फॉर एवरीवन एंड इट इज़ गोइंग टू बी वेरी फ्रूटफुल फॉर ईच अदर. एंड येस जैसे मैं बोलती हूँ कि कोई भी हम चीज़ कुछ भी लाइफ में है हमारे, हम अगर एक प्लांट भी लगाते हैं तो हमें उसका पूरा ध्यान रखना पड़ता है कि उसको ठीक से लाइट मिल रही है, पानी मिल रहा है. एंड ऐसे ही एक कोई रिलेशनशिप जब हम स्टार्ट करते हैं तो वी हैव टू नर्चर इट. सो हम उसको ग्रांटेड नहीं ले सकते. सो विद प्रॉपर नर्चरिंग दिस रिलेशनशिप इज गोइंग टू गो अ लॉन्ग वे. सिद्धार्थ हैज रिपीटेड इन 2012 मैम स्टूडेंट ऑफ द ईयर. उनके सभी बाकी जो स्टार कास्ट उनकी भी शादी हाल फिलहाल में हुई है और काफी बढ़िया है. और ये इस शादी का क्या लगता है किस तरह से आगे सही रहेगी या कितना क्या कुछ आएगा दोनों के प्रोफेशनलिज्म के हिसाब से बात करें तो? अभी ये नया ट्रेंड है इंडस्ट्री में. पहले पुराने टाइम में जो एक्टर और एक्ट्रेसेस होते थे वो शादी नहीं करते थे बहुत लंबे टाइम तक. बट एक जैसे जैसे टाइम निकला है एवरीवन इज इवॉल्विंग. आई थिंक द फैंस आर आल्सो इवॉल्विंग एंड दे आर रेडी टू टेक देम एज अ मैरिड कपल. तो इसलिए बहुत अच्छा है कि सब शादी कर रहे हैं बिकॉज या सेटल दैट इज आल्सो अ वे ऑफ सेटलिंग. और जिसके साथ आप कंफर्टेबल हो उसके साथ अगर आप लाइफ उसको अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहते हो तो दैट इज़ नथिंग लाइक दैट. तो अगर सिद्धार्थ और कियारा के आगे फ्यूचर की बात करें एज अ प्रोफेशनल लाइफ, तो दोनों जो सिद्धार्थ है वो कियारा की लाइफ में 6 की पावर लेके आएंगे. 6 की पावर के आने से 6 जो वीनस होता है वो ऑलरेडी 4 की पावर उनकी लाइफ में है. जो राहु है वो भी फेम दिलवाता है प्लस 6 आ जाएगा तो वीनस से और ज़्यादा उनको फेम मिलेगा और अच्छे प्रोजेक्ट्स वो करेंगी. उनका करियर ग्राफ अभी बहुत ऊपर और जाएगा. तो सिद्धार्थ इज़ गोइंग टू गेट अ गुड लक फॉर हर. एंड जो कियारा है वो उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारे ओपन अप करेंगी क्योंकि वो 5 का नंबर लेके आ रही है उनकी लाइफ में. तो 5 जो होता है वो अपॉर्चुनिटीज़ देता है. हो सकता है जो प्रोजेक्ट सिद्धार्थ बहुत टाइम से देख रहे हो कि ऐसा मुझे चाहिए तो वो खुद से उनके सामने आ जाएगा. जैसे स्टूडेंट ऑफ ईयर उनके सामने आई बिकॉज ही इज़ नॉट फ्रॉम दिस इंडस्ट्री. वो दिल्ली से हैं और करण जौहर ने उनको ब्रेक दिया. तो या सिड हैज सीन ए हाई राइज एंड देन फॉल. उसके बाद शेरशाह उनकी फिल्म बहुत चली और वापस से ही इज ऑन द टॉप ऑफ द गेम. तो क्या लगता है उनका आगे किस तरह से प्रोफेशनलिज्म उनके हिसाब से अगर आगे जाएगा किस तरह से शादी के बाद भी? अभी आपने बात करी शेरशाह की. अगर शेरशाह में देखे तो ये दोनों ही थे सिद्धार्थ और कियारा. तो इनका जो 7 और 4 का कॉम्बिनेशन वहाँ पे भी इकट्ठा हुआ सो इट हैज़ क्रिएटेड अ मैजिक ऑन द स्क्रीन. सो ऑब्वियसली जो सिद्धार्थ है 7 नंबर से रूल होते हैं जो कि केतु का नंबर होता है. वो
लाइफ में आपके सडन चीज़ें करता है, अचानक से कुछ ऐसा प्रोजेक्ट आ जाएगा कि आपको इतना फेम मिल जाएगा, अचानक से कुछ प्रॉफिट हो जाएंगे लाइफ में। तो इनकी लाइफ में अगर वो प्लान करते हैं चीज़ों को, वैसे शायद नहीं होती होंगी, वो सडन होता होगा कुछ भी, तो इनकी लाइफ में आगे भी वैसे ही चलता रहेगा बिकॉज दैट इज़ हिज बेसिक नंबर। सो या ही विल गेट गुड प्रोजेक्ट्स, बट अप्स एंड डाउन्स तो सबकी लाइफ में रहते हैं। अगर हमारी ECG भी है तो उसमें भी अप्स एंड डाउन्स होते हैं, तभी हम लाइव हैं। अगर स्ट्रेट लाइन आ जाती है तो वी आर डिक्लेयर्ड डेड। पर्सनल लाइफ में किस तरह से रहेगा इन दोनों का फलसफा आगे, फैमिली प्लानिंग की अगर बात करें, बाकी सब चीज़ें अगर इनकी पर्सनल लाइफ की बात करें तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहेगा, और वो बहुत ज़्यादा ऐसे पब्लिकली शायद उतना एक्सप्रेस नहीं करेंगे चीज़ों को, बट दे विल यू हैव अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विद ईच अदर, एंड विद दैट विल बी शोन इन द बॉडी लैंग्वेज, इन देयर आईज, यू कैन नॉट, बट वो ऐसा बहुत दिखावा नहीं करेंगे उस चीज़ का। और अगर फैमिली प्लानिंग की बात करते हैं तो वो फीमेल के नंबर से देखा जाता है। तो कियारा का पर्सनल ईयर जो है वो 8 का चल रहा है अभी, तो जब वो 1 का आ जाएगा जो कि नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर है 2025 में, तो डेफिनेटली दे वो योग ऐसा बन जाएगा जब वो फैमिली प्लानिंग की बात कर सोच सकते हैं, बट दिस इज़ देयर पर्सनल यू नो कॉल। बट हाँ, योग बनते हैं बहुत सारे, शादी का भी किसी का योग बनता है, ऐसे ही बच्चे का भी योग बनता है, बट इट्स अप टू द कपल व्हेन दे वांट टू, वेदर दे आर इंटरेस्टेड टू अवेल दैट योग और नॉट। आपसे जानना चाहेंगे मैम, क्या कितना ज़रूरी है शादी को लॉन्ग टर्म, क्योंकि बहुत कम शादी लॉन्ग टर्म जाती है, स्पेशली बॉलीवुड में। शाहरुख खान गौरी का एक एग्जाम्पल बहुत अच्छा है, ऐसी शादियाँ या ऐसे कपल्स बहुत कम आजकल देखने को मिलते हैं, तो क्या लगता है जो शादी हाल फिलहाल में हुई है इनकी, तो कितना लॉन्ग क्या लगता है? ये जाएगा लॉन्ग टर्म। अगर आप शाहरुख और गौरी की भी बात करते हो तो उनका क्या है कि बहुत अच्छा बॉन्ड है इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग, रिस्पेक्टिंग, गिविंग देम स्पेस। व्हाट गौरी इज़ डूइंग, शाहरुख नेवर इंटरफेयर। व्हाट शाहरुख इज़ डूइंग, गौरी ही नेवर गेट इनटू इट। हाँ, फीडबैक हमेशा एक दूसरे को एज अ पार्टनर आप देते हो, तो वो एक जो रिस्पेक्ट है, वी हैव सीन द काइंड ऑफ रिस्पेक्ट शाहरुख खान गिव्स टू गौरी। वो भी मतलब इंडस्ट्री की नहीं है, बाहर से आई थी, शाहरुख भी इंडस्ट्री के नहीं थे, एंड ही बिकमिंग अ किंग, यू नो, किंग ऑफ द इंडस्ट्री, and still he is so humble and giving that respect to her partner, you know, unke jo love of his life keh lo, to wo bahut zaruri hota hai, aap kitna respect de rahe ho, kitna unko space de rahe ho, kitna aap unke jo ideas hain ya wo jo life mein karna chahte hain unki kitni respect kar rahe ho, usse bahut matter karta hai। to jo numerologically hai wo bonding, to ye long term bonding hoti hai, but yes, we have to nurture everything। Thank you. Thank you, ma'am. Thank you.